दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की वैकेंसी आप लोगों की जो है सुब्रोज लिमिटेड कंपनी की तरफ से आ रही है। तो गाइस, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पर नोएडा में जॉब करना चाहते हैं, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पर मैसेज भी आता रहता है कि नोएडा में नोएडा लोकेशन की जॉब हो तो यहाँ पर लेकर आइए। तो गाइस, ये जो वैकेंसी है नोएडा की लोकेशन है, और मैं आप लोग को 100% यहाँ पर आप लोग को बताने वाली हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर जाना होगा, कैसे आप लोग का इंटरव्यू होगा और किस तरीके से आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। इंटरव्यू से लेकर ज्वाइनिंग तक पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आप लोग की ब्रांच होगी, कौन सा आप लोग का यहाँ पर बैच अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, और आप लोग क्या करते हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं, स्किप करके ना देखें। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, एक स्टूडेंट था जिसने वीडियो को पूरा नहीं देखा था, जबकि मैंने वीडियो में पूरा बताया गया था कि उसमें फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस था और वो फिर भी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए चले गए। लेकिन इससे क्या हुआ कि उनको वापस कर दिया गया। तो इसीलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें। तो प्लीज़ वीडियो को और अच्छे से देखें, इन्फॉर्मेशन पूरी देखें। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों की लोकेशन जो रहने वाली है गाइस, नोएडा रहने वाली है। नोएडा में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए ज़रूर जाएं। 100% मैं आप लोग को जॉब यहाँ पर बताने वाली हूँ। साथ ही देखिए यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाली हूँ, जो आप लोगों को उनसे बात करना है, और डायरेक्ट और इंटरव्यू की डेट भी बताने वाली हूँ, किस दिन इंटरव्यू, डायरेक्ट जा भी सकते हैं आप लोग। तो गाइस, आप लोग इंडिया में कहीं से भी हैं, ऑल इंडिया आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया। बट यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी, ओनली ऑन फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है वो तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल फ्रेशर, मतलब बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट ही एलिजिबल रहने वाले हैं, जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल भी जॉब नहीं किए हैं, लाइक उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेशर है तो अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट, दूसरा देखिए यहाँ पर जो हमारे 2021 वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 2020 का बैच भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है आप लोग का। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहती है। जो हमारी अपडेट यूट्यूब से छूट जाती है उसे हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिखाने वाली हूँ। ये जो वैकेंसी है आप लोगों की, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सुब्रोज की तरफ से आ रही है। लोकेशन यहाँ पर नोएडा रहेगी, ओनली ऑन यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक इशू रहता है। इशू ये रहता है क्योंकि काफ़ी हमारे प्राइवेट, जो हमारे प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा किए हुए हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पूछते हैं कि हम लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो यहाँ यही इशू कर दिया है इन लोगों ने, ये चीज़ सही नहीं है। बट यहाँ पर ओनली ऑन गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, या फिर जो एडेड कॉलेज होते हैं वो जा सकते हैं, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट नहीं जा सकते। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या रहेगी, ओनली ऑन डिप्लोमा, डिप्लोमा कैंडिडेट ही जा सकते हैं, ना ITI, BTech, BE कोई भी एलिजिबल नहीं है। मैं साफ मना कर रही हूँ, ओनली ऑन डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। तो चलिए उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी देखते हैं कैसे है? अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिया गया है आप लोगों का ओपन कैंपस, मतलब कि एक तरीके से वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, आप लोग को उस लोकेशन पर जाना होगा। डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी डिप्लोमा में है गाइस वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग करनी होती है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आप लोग की ज्वाइनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। और आप लोग का जो लोकेशन है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सुब्रोज लिमिटेड B188 Phase 2 नोएडा आप लोग की लोकेशन रहेगी। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल और करेंगे तो थोड़ा डिटेल के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जो हमारा यहाँ पर इंटरव्यू होगा 14 अप्रैल 2022 में यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की टाइमिंग थोड़ा जान लीजिए, इंटरव्यू की टाइमिंग यहाँ आप लोग की देख सकते हैं, ऑनवर्ड 8 AM, मतलब 8 AM तक आप लोगों को पहुँच जाना है गाइस, आप लोग का इंटरव्यू तभी से स्टार्ट हो जाएगा।
वहाँ पर आप लोग का एक छोटा सा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, बहुत 2-3 एक पेज का हल्का सा जो है पेपर दिया जाता है, उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ें दी जाती है। जैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी, जैसे आप लोगों ने बर्नर कैलिपर वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो इसके बारे में जैसे पूछा गया था लास्ट टाइम, जो स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि ये मतलब किस में यूज़ किया जाता है, कितने इसमें स्केल होते हैं, जो हमारा मेन स्केल होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे आप लोग के पॉइंट्स होते हैं, कुछ आप लोगों से यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही देखिए यहाँ आप लोग का वेन्यू क्या रहेगा, पूरा आप लोग का यहाँ पर एड्रेस दिया गया है वेन्यू में। उसके बाद पोस्ट आप लोग की क्या रहेगी, डिप्लोमा अप्रेंटिस की रहेगी, अप्रेंटिस आप लोग की यहाँ पर रहने वाली है 1 ईयर की। थर्ड पार्टी रोल नहीं है, मतलब कोई भी अगर आपसे पैसा चार्ज करता है तुरंत आप लोग यहाँ इसके नंबर पर कॉल करके इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इमिडिएटली सेलेक्टेड, जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लिए जाएंगे उनको इमिडिएटली यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी होगी। अब बात करें यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की, तो गर्ल्स यहाँ पर ओनली ऑन बॉयज़ यहाँ पर एलिजिबल है, गर्ल्स नहीं जा सकती हैं। यहाँ पर गर्ल्स बहुत कम ली जाती हैं, बहुत ही कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी निकाल दी जाती है गर्ल्स के लिए वैकेंसी, बट रेयर केस में यहाँ पर बॉयज़ को ही यहाँ पर लिया जाता है। अब बैच की बात कर लेते हैं, तो बैच यहाँ पर देखिए 2019, 2020 और 2021, ये 3 बैच यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप अगर इन बैच से डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच की भी बात कर लेते हैं, तो जो ब्रांच है आप लोगों की यहाँ पर ब्रांच रहने वाली है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल। देखिए मैकेनिकल की कई सारी ब्रांच होती है, जैसे ऑटोमोबाइल होती है, RAC होती है, प्रोडक्शन होती है, ये ब्रांच से हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल। अब देखिए ऐसा, अब कोई कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर जो है डाउट आ जाता है कि हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो क्या हम जा सकते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूँ गाइस, इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट जितनी भी ब्रांच हैं वो नहीं जा सकती, ओनली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांच ही जा सकती है। तो आप लोग अगर यहाँ पर जाना चाहते हैं, अगर देखिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों मिक्स होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, तो इस तरीके की ब्रांच है, तो मैं आप लोग को नंबर दे दूंगी, देखिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर कॉल करके आराम से पूछ लीजिए। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए मेन चीज़ स्टार्टिंग में 1 ईयर पे आप लोग को DET की पोजिशन पर रखा जाएगा, जब आपकी सेकेंड ईयर होगी, मतलब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो आप लोग को AE की पोजीशन पर आप लोग को इनके मतलब आगे प्रमोशन कर दिया जाएगा। आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर 300 दे रखी है, काफ़ी वैकेंसी है। 18 से 25 की एज आप लोग की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लें डिप्लोमा स्टाइपेंड की, थोड़ा स्टाइपेंड कम रहता गाइस, लास्ट टाइम इनका स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा था, बट इस बार इनका कम है। यहाँ पर लास्ट टाइम इनका जो स्टाइपेंड था 12,000 था, 12,000 में कुछ आप लोग के लगभग एक तरीके से 1,000 के करीब इनके जो कट जाते हैं, जैसे कैंटीन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सब चीज़ों में आप लोग के कट जाते थे, इन हैंड 10,000 आ जाते, मतलब 11,000 आ जाते थे, बट इस बार क्या है आप इनका स्टाइपेंड इन हैंड वाली सैलरी इन्होंने दिखा दी है, तो इन हैंड आप लोग की जो सैलरी मिलेगी यहाँ पर 10,000 मिलेगी। 800 रुपये यहाँ पर अटेंडेंस अवार्ड है, बट लास्ट टाइम इनका 1,000 रुपीज़ था अटेंडेंस अवार्ड, जो है इन्होंने कम कर दिया, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप लोगों को वैकेंसी अच्छी लगा करें तुरंत जाया करें। टाइमिंग यहाँ पर देखिए 8 से 10 बजे तक है, कभी भी चले जाइए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ना होने पर आप लोग को वापस किया जा सकता है। जो भी डिप्लोमा की मार्कशीट है, डिप्लोमा की मार्कशीट है उसमें 60% होनी चाहिए, अगर आपके उससे कम होते हैं तो आप लोग को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ऑल सेमेस्टर की यहाँ पर मार्कशीट लेकर जाइए, 10th और 12th, अगर 10th और 12th में आप लोग की 60% मार्क्स हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम देखिए एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि यहाँ पर 12th में अगर मार्क्स कम है, 60% नहीं है तो जा सकते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगी 12th में अगर कम है कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 10th से डिप्लोमा किया है, 10th में आप लोग के पूरे होने चाहिए, 12th में कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग क्या करें, आप लोगों को यहाँ पर डिप्लोमा और यहाँ पर 10th में आप लोग की 60% तो होनी चाहिए, ये चीज़ मेन है। आप लोगों की आधार कार्ड लेकर जाइए और उसकी फ़ोटो कॉपी भी लेकर जाएँ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4 लेकर जाएँ, ओरिजिनल यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर के द्वारा। अब यहाँ पर आप लोग का कुछ इशू हो जाएगा, जैसे देखिए जो स्टूडेंट हमारे इंटरव्यू देने जाएंगे
जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, वैसे तो आप लोग को स्टार्टिंग में मांगा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर आप लोग इनको ये जमा कर दें, क्योंकि सेलेक्ट होने के बाद आपको कन्फर्म हो चुका है कि आप लोग वहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। बैंक की जो है फोटोकॉपी मतलब लेकर जाइए, पैन कार्ड, रिज्यूम, फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मेन चीज़ तो यही है गाइज, अगर ये नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, लेकिन अगर आपके पास फाइनल वैक्सीनेशन नहीं है तो आप लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मैंने देखिए यहाँ पर NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना बताया था, अगर नहीं आप लोग को याद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। साथ ही आप लोग प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर उसका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रिंट होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था प्रिंट ले लेना, तो उसकी कॉपी लेकर जाइए। और यहाँ पर देखिए जो है आप लोगों को क्या करना, कोई भी चार्ज नहीं करना है इस वैकेंसी के लिए। साथ ही फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी, जैसे कैंटीन मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, गेस्ट हाउस मिलेगा रहने के लिए, बट 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर गेस्ट हाउस मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को अपना यहाँ पर रहने का देखना होगा। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर किसके दिए गए हैं, देखिए आपके HR हैं यहाँ पर, HR यहाँ पर विकास श्रीवास्तव जी हैं, जिनका आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये एकदम HR हैं। उसके बाद यहाँ पर ऋषभ कुमार तिवारी जी हैं, इनका भी यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। यहाँ आप लोग को कॉल करना है 10 AM से 4 PM तक, तो आप लोग इस समय में आप लोग कभी भी कॉल कर लीजिए। लेकिन मैं आप लोग को बताऊँ, सबसे पहले आप लोग को इस नंबर पे कॉल करना है, जब इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है तब आप इस नंबर पे कॉल करें। तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, आप लोग की कोई भी ब्रांच है या कोई भी इशू होता है तो आप लोग तुरंत कॉल करिए। तो आप लोग जरूर जाइए, 100% आप लोग को जॉब मिलेगी गाइस, आप लोग को वैकेंसी अच्छी लगी हो। और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये पूछने लगेंगे कि अप्लाई किस तरीके से करना है, तो मैं उनको बता दूँ गाइस, अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, ओनली ऑन आप लोगों को जो है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा, जो मैंने आप लोगों को डेट और यहाँ पर वेन्यू दिया है, वेन्यू एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख पाए। देखिए इस जगह पर जाना है, ये आप लोग का मेन एड्रेस है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप लोग को जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को फिर से दिखा देती हूँ, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोग को लिंक वगैरह कोई भी फिल नहीं करनी है, आप लोग को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।